बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद असद, आज तमाम सीको मार्केट में घूम रहा हूँ। यहाँ पर मैं तो लेने आया था टोपी, जो मैंने ले ली है। तो दोस्तों और प्यारे भाइयों, एक आज छोटी सी आपके बात साथ शेयर करनी है। आप हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, आपके साथ कुछ छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी है कि दोस्तों, अगर आप फारग हैं, क्या आप फारग हैं सब्जी के बीच के अंदर, क्या आपके पास काम है? ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो आजकल मुझे कमेंट भी कहते हैं कि यार मैं फारग हूँ। उन भाइयों को ये मैं कहता हूँ कि आप फारग नहीं हैं। आप फारग हैं तो जानबूझकर फारग हैं। आपको कोई भी फारग रहने नहीं कह सकता, मतलब नहीं कह सकता। देखें, मैं भी कभी फारग होता हूँ, कभी नहीं, लेकिन फारग होने के बावजूद मैं फारग नहीं। मेरे पास काम काम हर वक्त काम, तो हर वक्त पैसे कमाता रहता हूँ ऑनलाइन के चक्कर में। यार देखो, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में आप मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं, तो मैं अपने भाइयों को ये कहूँगा कि आप YouTube पर वीडियो अपलोड करो, आप भी पैसे कमाओ। मत कहो कि हम फारग हैं, हमारे पास काम नहीं है, तो हमें काम नहीं मिलता, मैं ये काम करता हूँ। इसके लिए मैं कहता हूँ आप YouTube पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करो और YouTube से पैसे कमाओ। जिस तरह के मैं हूँ सब्जी रिबिया के अंदर, 2019 से मैंने चैनल बनाया था, उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह चलो कमा रहा हूँ, लेकिन उस वक्त इतने पैसे नहीं कमा रहा था जितने मैंने अब से स्टार्ट किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह के मैंने ये YouTube चैनल अरब इन्फो बनाया है, जिस पर मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल भी फारग नहीं। मेरे पास हर वक्त काम ही काम है। बाकी मेरी मर्ज़ी है मैं फारग रहूँ या काम करूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं चाहे फारग रहूँ चाहे काम करूँ। तो बाकी मैं फिर भी फारग रहने के साथ साथ फिर भी पैसे ही कमाता रहता हूँ। मैं निकल जाता हूँ मार्केट की तरफ, यहाँ पर इंटरव्यूज़ करता हूँ, जो दोस्तों और भाइयों को टाइम देता हूँ कि यार मुझे इंटरव्यू चाहिए, जिस काम के बारे में मुझे लेना होता है तो मैं इंटरव्यू लेता हूँ, या यहाँ पर ब्लॉग बनाता रहता हूँ। तो मैं इसलिए हर वक्त तो समझे पैसे कमाता हूँ। तो आप भी मेरी तरह YouTube पर वीडियो बनाओ और पैसे कमाओ। तो मैं इस वक्त टेली मनी शारा के ऊपर मौजूद हूँ। शारा खुल गया था, मुझे वापस आना पड़ा। मैं आधा इशारा नहीं गया था, वैसे आधे इशारे से भी पीछे था, लेकिन इशारा खुल गया, मुझे वापस आना पड़ा। ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने सोचा शायद इशारा लंबा ही खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इशारा जल्दी खुल गया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। तो हम दोस्तों, मैं टेलीविजन इशारे पर मौजूद हूँ इस वक्त। अगले ब्लॉग में आपकी और हमारी मुलाकात होगी। अगर चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।